उधर राजस्थान में अब पुलिस थानों के दिन फिरने वाले हैं। सालों से खुद की मजबूत और महफूज बिल्डिंग की बाट जो रहे थानों को खुद का नया भवन मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 27 थानों का नया भवन, भिवाड़ी पुलिस लाइन बनाने समेत निर्माण के लिए 1,38,00,00,000 रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इससे पुलिस का कामकाज तो बेहतर होगा ही, लोगों को भी फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी कई थाने ऐसे हैं जो किराए या उधार के भवनों में चल रहे हैं। वहीं कुछ भवन जर्जर हो चुके हैं जिनमें बरसात में पानी टपकता है। पुलिस मुख्यालय से इन भवनों की मरम्मत या नए निर्माण के लिए प्रस्ताव बनकर राज्य सरकार के पास जाते रहते हैं, लेकिन मामले सरकारी फाइलों में दाखिल रह जाते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनकी पीड़ा समझी और करीब 27 पुलिस थानों के लिए नए प्रशासनिक भवन समेत भिवाड़ी पुलिस लाइन के निर्माण के लिए 138,00,00,000 रुपए का बजट स्वीकृत किया। राजस्थान पुलिस के इतिहास में निर्माण के लिए एकमुश्त रूप से स्वीकृत की गई ये अब तक की सबसे बड़ी राशि है। इससे पहले 10,000 पुलिस आवासों के लिए 1,00,00,000 रुपए की स्वीकृति दी गई थी। राज्य सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि जो भवन और थानों की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें सुधार के लिए और नई बिल्डिंग्स बनने में सुविधा के लिए जो पैसा स्वीकृत किया है, मैं उनका आभारी हूँ और चाहूँगा कि इसी प्रकार से राज्य सरकार स्वीकृति देती रहे और पुलिस की जो कार्य क्षमता में है बढ़ोतरी होती रहे। राज्य में 27 पुलिस स्टेशनों को नया भवन मिलने जा रहा है, साथ ही पुलिस लाइन और आवासीय भवन भी निर्मित होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 1,38,00,00,000 रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है। राजस्थान पुलिस के इतिहास में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जहां एक साथ 1,38,00,00,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। अब आने वाले समय में पुलिस कर्मियों को सहूलियत मिलेगी, साथ ही जनता को अपराध से मुक्ति मिलने का रास्ता भी अग्रसर होगा। कैमरामैन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया।